गोगावा नगर के तहसील ग्राउंड में CAA कानून के समर्थन में शनिवार को युवा भारत एकता मंच के तत्वावधान में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में युवा बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और केंद्रीय गोरक्षा समिति के सदस्य सोहन विश्वकर्मा ने अपने ओजस्वी संबोधन में सभी जन समुदाय में नई ऊर्जा भर दी। वहीं कर्मा ने देश में CAA कानून का विरोध करने वालों को मंच से खूब खरी खोटी सुनाई। इस सभा में प्रांतीय सह संयोजक दीपक कानून को संत श्री हरि ओम बाबा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों जन समुदाय मौजूद थे। सभा समय में नगर में सभी हिंदूजनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सभा में राष्ट्रीय गान भी हुआ। सभा में प्रशासन की ओर से एडिशनल SP शशिकांत कनकने, SDM अभिषेक गहलोत सहित पुलिस बल मौजूद रहा। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। संत शक्ति का स्वागत। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो कानून आया है ये किसी भारतीय नागरिक को वो चाहे किसी भी धर्म का हो उसको प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। वह अफगानिस्तान, बंगाल, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता देने के लिए, तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं उनको और जो लोग जिनको ये जानकारी नहीं है उनको ये संदेश हम देना चाहते हैं कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो लोग स्वतंत्रता के बाद या विभाजन के बाद जो भी मुसलमान यहाँ भारत में भी हैं उनको कोई बाहर नहीं, उनकी कोई नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रावधान है। सर आपका शुभ नाम? सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।